आपने अपनी जिंदगी में हो सकता है कई गुफाएं देखी होंगी, लेकिन आज हम जिस गुफा की बात करने जा रहे हैं उसे गुफा कहना गलत होगा। वो अपने में एक दुनिया बसाए हुए है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऐसी ही एक गुफा की, वियतनाम की गुफा के बारे में, जो दुनिया की सबसे बड़ी गुफा है जिसके अंदर एक अलग ही दुनिया बसी हुई है। जी, इस गुफा के अंदर से ऐसी ऐसी डरावनी आवाजें आती हैं कि सुनकर ही लोग कांप जाते हैं। डरावनी से मेरा मतलब भूत प्रेत से बिल्कुल नहीं है। आवाज नदी के तेज बहाव की, चट्टान के टूटने की और भी बहुत सी चीजें। अगर हम बात करें इसके आकार की तो ये 200 मीटर ऊंची, 150 मीटर चौड़ी और 9 मीटर लंबी ये गुफा वियतनाम के जंगल में स्थित है। इस गुफा के अंदर एक नदी बहती है जो इसे और सुंदर बना देती है। वियतनाम में एक स्थानीय निवासी हो खान ने 1991 में इसका पता लगाया था, लेकिन पानी की भयंकर आवाज और अंधेरे के कारण किसी की भी गुफा के अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती थी। इसलिए इस गुफा के अंदर की दुनिया इसकी खोज से 18 सालों तक यानी 2009 तक लोगों के लिए अनजान रही। सन 2009 में ब्रिटिश कैव रिसर्च एसोसिएशन ने एक अभियान के द्वारा इसके अंदर प्रवेश करके प्राकृतिक दृश्य का नजारा खोज निकाला। यह अभियान 10 अप्रैल से 14 अप्रैल तक चला और 200 फीट ऊंची दीवार के कारण यह बीच में ही रुक गया। उन्होंने पाया कि यह गुफा वियतनाम की पिछली सबसे बड़ी गुफाओं में से 5 गुना तथा विश्व की अब तक की सबसे बड़ी गुफा मलेशिया की डियर कैव से 2 गुना बड़ी है। इस गुफा का कुछ हिस्सा ऊपर से टूटा हुआ है जहां एक छोटा सा जंगल है। इस गुफा में 300 मिलियन साल पुराने जीवाश्म भी मिले हैं। यहां पर दुनिया के सबसे ऊंचे चूने के स्तंभ भी पाए गए हैं। इस गुफा के अंदर पेड़ पौधों से लेकर जंगल, बादल और नदी तक सब कुछ है। लाखों साल पुरानी इस गुफा को साल 2013 में पहली बार यात्रियों के लिए खोला गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल सिर्फ 250 से 300 लोगों को ही यहां जाने की इजाजत मिलती है। हर साल यात्री अगस्त महीने से पहले ही इस गुफा के अंदर जाकर फिर लौट आते हैं, क्योंकि इसके बाद गुफा के अंदर मौजूद नदी का जलस्तर बढ़ जाता है। गुफा के अंदर जाने के लिए प्रति व्यक्ति टिकट लगभग 2 लाख रुपए का आता है। गुफा के अंदर जाने वाले यात्रियों को पहले 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें कम से कम 10 किलोमीटर पैदल चलने और 6 बार रॉक क्लाइंबिंग यानी चट्टानों पर चढ़ना सिखाया जाता है। इसके बाद ही उन्हें गुफा में ले जाया जाता है। मतलब कि आपको एक गुफा में घूमने के लिए इतनी बड़ी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप भी ऐसे एडवेंचर पर जाना पसंद करते हैं तो बेशक इस जगह पर जाइए।